अधिकारियों से अनुरोध में व्यवहार ये सूची है। एक ही छात्र को विश्वविद्यालय ने उनका रिजल्ट ही रोक दिया, जबकि वो पास है, सब कुछ है, मानक पूरे कर रहे हैं। इसलिए रोक दिया गया कि वो छात्र छात्राएं जागरूक है, कोई समस्या होती विश्वविद्यालय की तो उस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसे छात्रों को जो भी जनतांत्रिक मुद्दों को उठाते हैं विश्वविद्यालय में, उनकी सूची बना के उनको प्रवेश देने से वंचित कर दिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने। और ऐसी स्थितियां विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैदा की कि जो आज विश्वविद्यालय बंद करना पड़ा, ये दुखदायी है। इसके लिए हमारे वरिष्ठ लोग सभी लोग हैं, बहुत से जो निर्दोष छात्र जेल में छात्र छात्राएं भेजे गए, उनकी भी रिहाई हो, उनके मुकदमे वापस हो, क्योंकि उनके भविष्य को देखते हुए उन बच्चों की कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कई बच्चों की कहीं सीडी में नहीं है विश्वविद्यालय के कमरे में, उनको भी उठा के बंद कर दिया गया। इस पे हमारी ये मांग है, हमारे जो सीनियर छात्र नेता है इनसे भी हमारी मांग है। ये जो आपको बताऊं कि कहा जा रहा है कि एडमिशन नहीं देंगे, जिनको राज्यपाल जी ने कहा है, इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एएनयू के संबंध में एक निर्णय, और वो निर्णय ये है, देयर शुड बी नो प्रिवेंटिव एक्शन व्हिच क्रिएट्स हिंडरेंस फॉर द फर्दर स्टडी ऑफ द स्टूडेंट। आप किसी विद्यार्थी को ऐसा कोई सजा न दें जो उसके आगे की पढ़ाई के अंदर अवरोध पैदा करे। और इसीलिए आपको याद है बहुत सीनियर स्ट्राइक का नाम लेकर के एक सीनियर क्राइम करने के नाम पर बहुत से आरोप लगाए गए कि देश विरोधी, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने क्या कहा, इनको एक सेमेस्टर तक आप डिमांड कर सकते हैं, आप इनको कुछ जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन आप इनकी पढ़ाई को रोक नहीं सकते। और फर्जी का सेमेस्टर हो जाने के बाद उसे पीएचडी को दाखिल करने का अवसर दिया गया, दाखिल करना। तो इस तरह का अधिकार लिए बच्चे 21 साल, 22 साल, 23 साल के नौजवान हमारे, आपने इन सबको बंद कर दिया, ये तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ है। क्या विश्वविद्यालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानेगा? आप पूछिए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा, और मुझे छात्रों द्वारा 1997-98 वाली यूनियन में छात्र महामंत्री का मौका मिला, और मेरे साथ अरविंद सिंह साहब, और उस समय का जो कार्यकाल रहा, हम लोग छात्रों के हित में लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें जो विश्वविद्यालय में लगातार चर्चा आ रही मीडिया के माध्यम से, हम लोगों ने अपने स्तर से संज्ञान लिया, और विश्वविद्यालय स्तर पर भी बात की गई, क्योंकि कहीं न कहीं हम सबका मानना है कि जो भी घटना अगर हुई है उसकी जांच हो, जो इस टाइप की अगर होती है तो जो लोग हैं उसमें जांच के आधार पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो बेचारे निर्दोष लोग हैं जिनको फर्जी तरीके से साजिशन तौर पर फंसाने का काम कर रहा है, क्योंकि हम सब छात्रों को जब आते हैं विश्वविद्यालय तो पढ़ाई का उद्देश्य आते हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं हम सबका मानना है कि अगर जो घटनाएं हुई उनके पीछे जो कारण है उस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को जाना चाहिए। ये बताइए अध्यक्ष जी, ये जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या व्यवस्था इसका? मैं यही कह रहा हूं कि जो चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हम सबका मानना है इस डेमोक्रेसी में, हम सब जितने भी क्षेत्र हैं सब क्षेत्रों में अपनी अपनी अपना अपना प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, फिर छात्रों का क्यों नहीं, लंबे समय तक छात्र संघ रही है, और इसके पहले जितने भी आज छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, हम लोगों के समय ऐसी है। आज ऐसी कैसी स्थितियां आ गई कि छात्रों को इस स्थिति में आना पड़ रहा है, उन कारणों पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को जाना चाहिए। और आज अगर हमारा विश्वविद्यालय का छात्र संघ का प्लेटफॉर्म होता, मेरा मानना है कि उनकी बात रखने का उचित माध्यम होता, छात्रों को जायज बातें जो आज नहीं सुनवाई हो रही है, एक तरफा एक तरीके से शासन प्रशासन काम कर रहा है, नहीं होना चाहिए। हम उन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और अपनी बात हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने रखेंगे, और सरकार से भी मांग करेंगे कि निर्दोष छात्रों को रिहा किया जाए और बच्चों को प्रवेश दिया जाए। अभी तक महामहिम के पास क्या? इसके पहले भी छात्र अपनी बात रखने के लिए महामहिम राज्यपाल जी के पास जाते रहे, मगर उनके माध्यम से जो भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र होते थे विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिए जाते थे, मगर कहीं न कहीं ये बात राजनीतिक
घटनाक्रम से भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी बात ही आ रही है कि उनको जो मेरिट पे आए हुए बच्चे हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का माध्यम नहीं दिया जा रहा है। तो इस कारण से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय में स्वस्थ माहौल बने और जो बच्चों को उनको प्रवेश का मौका मिले, यही हम सब शासन और सरकार और महामहिम राज्यपाल से मांग है।